नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। बुलंदशहर क्षेत्र औरंगाबाद में बदमाशों ने बाइक सवार दंपत्ति से दिन दिहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया। थाना औरंगाबाद क्षेत्र में कुछ हथियारबंद बदमाशों ने एक बाइक सवार दंपत्ति से लूटपाट की। बाइक सवार युवक के विरोध करने पर लुटेरों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की दहशत से बाइक सवार सड़क पर जा गिरा और घायल हो गया। सूचना मिलने पर भारी पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंचकर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। बुलंदशहर खुर्जा क्षेत्र में हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े किसान से 2 लाख की लूट को अंजाम दिया है। थाना खुर्जा से महज 200 मीटर की दूरी पर दो बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट को अंजाम दिया। किसान से करीब 2,07,000 रुपए की लूट हुई है। खुर्जा थाना इंचार्ज ने बताया कि पीड़ित किसान ने बैंक से पैसे निकाले थे। लूट की सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंची है। इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि बुलंदशहर में लगातार लूट डकैती की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और पुलिस कहीं ना कहीं इस पर मौन है, ऐसा आरोप ग्रामीण भी लगा रहे हैं। उधर ललितपुर में पुरानी रंजिश के चलते युवक की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। युवक के सर पर पत्थरों से हमला किया गया है। सर कुचलकर पहचान मिटाने की कोशिश की गई। हर्जुन बस्ती में ले जाकर हत्या की गई। मृतक का शराब पीने का आदि था। मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। थाना पूरा करा पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन में जुटी हुई है। आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। हाथरस में शादी समारोह में बज रहे डीजे को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले मारपिटाई हुई। मारपीट में महिलाएं सहित करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को पहले अस्पताल पहुंचाया। दो पक्षों में हुई मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि गाँव सोखना में शादी का भात चढ़ाने के दौरान डीजे बज रहा था, जिसको लेकर विवाद हुआ। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के गांव सोखना की पूरी घटना बताई जा रही है। वहीं मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र इलाके के हरथला में करोड़ रुपए के मकानों को सील करने के लिए जिला प्रशासन और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। सपा नेता यूसुफ मलिक पर कई थानों में 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पिछले दिनों मुरादाबाद अपर नगर आयुक्त के ऑफिस में घुसकर जान से मारने के आरोप में सपा नेता गिरफ्तार हुआ। एक पुराने मुकदमे में जमानत तुड़वाकर रामपुर कोर्ट के सामने पेश हुआ और जेल गया। हाल ही में आजम खान ने भी यूसुफ मलिक से रामपुर जेल पहुंचकर मुलाकात की थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को दावा किया कि राज्य की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी बीजेपी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की दौड़ में थी, लेकिन कांग्रेस पृष्ठभूमि के कारण उन्हें मौका नहीं मिला। बुधवार देर शाम दिल्ली से लौटने के बाद रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर संवाददाताओं से बातचीत के दौरान सीएम बघेल ने बीजेपी पर महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। बीजेपी के नेतृत्व वाली राजग ने 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए ओडिशा के आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार तय किया है। ये पूछे जाने पर कि क्या राजग द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए एक आदिवासी नेता का चुनाव आदिवासी वोटरों को लुभाने के लिए किया गया, तो सीएम बघेल ने कहा कि अनुसुईया उइके को मौका नहीं मिला क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की है। पहले वो कांग्रेस की विधायक थी, जिसके कारण उन्हें राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने का अवसर नहीं मिला है। महाराष्ट्र का राजनीतिक रंग हर घंटे बदलता जा रहा है। सीएम उद्धव ठाकरे की शिवसेना में दरार बढ़ती जा रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक शिवसेना के कुल 55 विधायकों में से सिर्फ 16 विधायक अब सीएम ठाकरे के खेमे में हैं। ऐसे में पार्टी में खलबली मची हुई है। इसी बीच विधायकों के साथ साथ अब सांसद भी एकनाथ शिंदे के समर्थन में आते दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों की माने तो 17 सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। थाने के सांसद राजन विचारे और कल्याण के सांसद श्रीकांत शिंदे गुवाहाटी में मौजूद हैं। वसीम सांसद भावना ग्वाली, पलघर सांसद राजेंद्र गवैत
रामटेक सांसद कृपाल तुमने ने भी अपना समर्थन दिखाया है। बताया जा रहा है कि अब तक एकनाथ शिंदे के खेमे में कुल 48 विधायकों के पहुंचने का दावा उनके समर्थकों की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें 7 आज सुबह पहुंचे ऐसा बताया जा रहा है। शिंदे के साथ होटल में शिवसेना के 41 और 4 निर्दलीय विधायकों को मिलाकर कुल 45 विधायक है। वही सीएम ठाकरे के साथ 16 विधायकों को बताया जा रहा है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद तबाही मची हुई है। पूरब से लेकर पश्चिम तक राज्य में बुरा हाल है। एक तरफ जहां असम में बाढ़ से बुरा हाल है तो वहीं पूरा असम डूबा हुआ है। सेना और राहत बचाव में जुटी हुई है तो वहीं महाराष्ट्र के नासिक में भी बारिश ने बेहाल कर दिया। यहां बहाव इतना ज्यादा है कि खड़ा हो पाना भी मुश्किल है, गाड़ियां तक बह रही हैं। असम में आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है, गांव दरिया बन गए हैं और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। गांव पानी में डूब चुके हैं। राहत और बचाव के लिए सेना कमान संभाल चुकी है। असम की चिरांग से आई राहत और बचाव की तस्वीरों में सैलाब के बीच बड़ी संख्या में लोग फंसे हैं, उन्हें रस्ते के सहारे बाहर निकाला जा रहा है। जवान इन लोगों के लिए किसी देवदूत से कम नहीं है। माँ वैष्णो देवी हिंदू धर्म के सबसे प्रसिद्ध और बड़े धार्मिक स्थलों में से एक है। हर साल करोड़ों की संख्या में यात्री यहाँ माँ के दर्शन के लिए आते हैं। मोदी सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कटरा तक की रेलवे सेवा शुरू कर दी थी, जिससे अब यात्रियों को माता वैष्णो देवी के दर्शन करने में आसानी रहती है। इसके साथ ही अब दर्शन करने में समय की भी बचत होती है। रेलवे की तरफ से भी यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए माता वैष्णो देवी के लिए देश के अलग अलग कोने से कटरा तक के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इंडियन रेलवे ने यह फैसला किया है कि चेन्नई और दिल्ली से कटरा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। चेन्नई से चलने वाली ट्रेन है श्री माता वैष्णो देवी कटरा चेन्नई ई एक्सप्रेस। वहीं चेन्नई से चलने वाली ट्रेन दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से चलेगी। यह ट्रेन हजरत निजामुद्दीन एर्नाकुलम साप्ताहिक सुपरफास्ट है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ है।